हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। बिल्कुल आसान तरीके से एलसीएम ऑफ 87 एंड 145 कैसे फाइंड करें, बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो एलसीएम निकालने से पहले आपको अपने प्राइम नंबर याद होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, आगे 11, 13, 17, 19, ठीक है। अब 87 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से डिविजिबल है? यस। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 का भाग दिया तो भाग गया 2 बार, और 9 3 27, क्या आ गया? 29। 29 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 29 का 29 रहा। इसी तरीके से 145 के गुणनखंड कर देते हैं, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 5 का भाग जा रहा है क्या? यस। कितनी बार? 5 का भाग जा रहा है आपका 2 बार, और 9 5 45। हमें क्या चाहिए? एलसीएम। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखें इसमें सभी फैक्टर लेने हैं और कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो। कोई भी फैक्टर क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं। उसका मतलब क्या है? जैसे 29 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको एक ही बार लेना है, ऐसे समझो। अब दोबारा 29 आ जाएगा तो वो अलग से लेंगे, क्योंकि ये कट गया, उसको मत देखो। 5 यहाँ आपका एक ही जगह आया हुआ है, 3 आपका एक ही जगह आया हुआ है। अब हमें देखिए, सभी फैक्टर आ गए, सारे फैक्टर कट गए, ठीक है। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या समझते हैं कि फैक्टर का अधिकतम घात लेते हैं, उसको अधिकतम वो कितनी बार आया हुआ है। 29 अधिकतम एक बार आया हुआ है, 5 अधिकतम एक बार आया हुआ है, 3 अधिकतम एक बार आया हुआ है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई मैं बताता हूँ आपको ट्रिक्स है। देखिए 5 × 29 कितना आएगा? 145। एक्स्ट्रा क्या है? 3। 3 का इसके साथ गुणा कर दो, 5 3 15, 4 3 12, और 1 13, 3 और 1 4, कितना आ गया? 435। ये आपका आंसर है, समझे क्या?